हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे होंडा एलिवेट के म्यूज़िक सिस्टम के बारे में। ये होंडा एलिवेट का ZX वेरिएंट है, टॉप मॉडल, और इस वेरिएंट में मुझे 8 स्पीकर्स मिले हैं, जिसमें दो ट्वीटर्स हैं जिनकी प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। और ये 10 इंच की स्क्रीन है। फ़िलहाल अभी मैंने एंड्रॉयड ऑटो अपना कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर इसकी मैं टच रिस्पांस की बात करूं तो काफ़ी अच्छा है। और जो मुझे एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है इसमें, कि इसमें बटन्स भी दिए गए हैं, और ये बटन्स काफ़ी यूज़फुल रहते हैं जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हम इजीली ये एक्सेसिबल हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्काइप, व्हाट्सएप और जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं। ये होंडा का ये वाला एक फीचर है जिसमें हम क्लॉक है और बाकी फीचर्स देख सकते हैं। एक है कैलेंडर, देन कंपास, और ये साइड, ये लेन वॉच कैमरा, और ये बैक कैमरे के लिए, बाकी जो USB डिस्प्ले वगैरह वो फीचर्स हैं। ये बटन है नेविगेशन के लिए, और एक जो इसमें फीचर्स हैं, एक USB कनेक्ट हम कर सकते हैं। यहाँ पे दो पोर्ट्स दिए गए हैं और ये वायरलेस चार्जिंग है, और ये साउंड का है कि हम कहाँ प्लेसमेंट करना चाहते हैं। इसमें बास फुल रखा है, ट्रेबल फुल रखा है, और इसकी प्लेसिंग के लिए अगर आप बेस्ट म्यूज़िक इसमें इंजॉय करना चाहते हैं तो वो बीट ही है। बाकी भी अच्छे हैं, बट ये मेरी पर्सनल चॉइस ही बीट में। बाकी डिस्प्ले ओपनिंग एनिमेशन है कि जब हम कार स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक एनिमेशन आती है कार की, तो उसके रिगार्डिंग है। बाकी अगर हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, रेड करना है, तो वो वहाँ पे। बाकी वॉलपेपर, फोटो, डेट एंड टाइम, क्लॉक और डेट फॉर्म है, और ये पीछे रियर कैमरा, ये लेन वॉच के लिए सेटिंग है। बाकी की अगर इसकी आवाज़ की बात करूँ तो आपको आवाज़ भी सुनाता हूँ। इसकी आवाज़ से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। जैसे कि आपने इसकी साउंड सुना, तो आई होप को आपको अच्छा लगा होगा इसकी साउंड क्वालिटी। तो आगे और भी वीडियोस आएंगी, सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।